नमस्कार। किस भाव में बैठे हैं आपके षष्ठेश? आज के वीडियो में शत्रु वृद्धि जो योग बनता है कुंडली में, उसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जब शत्रु वृद्धि का योग होता है तो ऐसे में शत्रुओं की वृद्धि स्वतः ही होती रहती है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, लेकिन अनावश्यक रूप से हमारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ा करते हैं, शत्रुओं की वृद्धि हुआ करती है। तो वो कौन से दुर्योग कुंडली में होते हैं जिसके कारण से दुश्मन बिना किसी बात के बढ़ते चले जाते हैं? तो सबसे पहली चीज, आप अपने कुंडली में ये देखिए, लग्न कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं, कोई भी लग्न हो, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है, तो लग्नेश जहाँ पे बैठता है उस जगह की वृद्धि कर देता है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु जीवन भर बढ़ा करते हैं, शत्रुओं की वृद्धि हुआ करती है। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन शत्रु स्वतः ही आपसे चिढ़ने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। अब वो कुछ कर पाए या ना कर पाए वो अलग मैटर है। दूसरा योग सुनिए, अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में के स्वामी हो शनि देवता और वो छठे भाव में बैठ जाए, तो आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके शत्रु हमेशा बढ़ते रहेंगे। यहां पर भी वही है, वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन शत्रु आपके बढ़ते रहेंगे। चिढ़ने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले हमेशा बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आप इस बात से हैरान हो जाएंगे कि मैं कुछ करता भी नहीं हूं, लेकिन शत्रु अनावश्यक रूप से बढ़ क्यों रहे हैं। तीसरा योग, अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी गुरुदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है, तो ऐसे में यहां पर भी शत्रु वृद्धि का योग बन जाता है। जातक हो या जातिका, उसके कॉम्पिटिटर्स, उससे ईर्ष्या रखने वाले, उसको नीचे गिराने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। अगला योग सुनिए, यदि छठे भाव का कोई भी स्वामी हो, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, केतु हो, या कोई भी स्वामी हो, अगर चौथे भाव में बैठा है, तो उस व्यक्ति के शत्रु दुश्मन हमेशा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि यहां पर जब चौथे में बैठेगा छठा का मालिक, तो अपने स्थान से एकादश हो जाएगा। ये भी शत्रु वृद्धि का एक प्रबल योग बन जाता है। जानते हैं अगला योग, अगर छठे भाव का स्वामी कुंडली में एकादश भाव में बैठा है, अब कोई भी ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, तो यहां पर भी जबरदस्त तरीके से जीवन पर्यंत आपके शत्रु बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज यह भी ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में नक्षत्रपति की उच्च राशि छठे भाव में पड़ती है, नक्षत्रपति आप कैसे जानोगे? चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा, जिसके नक्षत्र में चंद्र होंगे, वो आपका नक्षत्रपति होगा। जिस प्रकार से लग्नेश का फल हमें जीवन भर मिलता है, उसी प्रकार से नक्षत्रपति का भी फल हमें जीवन पर्यंत मिला करता है। अब नक्षत्रपति आपका कोई भी ग्रह हो सकता है, नक्षत्रपति की यदि उच्च राशि छठे भाव में पड़ रही है, तो मान के चलिए ऐसे व्यक्तियों के जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जीवन भर बनते रहते हैं। या नक्षत्रपति की खुद की राशि छठे भाव में पड़ रही है, तो भी जीवन में आपके दुश्मन पीछा नहीं छोड़ेंगे, एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। अगर मान लिया शत्रुओं की वृद्धि होते चली जा रही है, तो उसके लिए दो उपाय आप करिए। मैं वो उपाय बता रहा हूँ जो मेरे परीक्षित किए हुए हैं, जिनको मैं अपने क्लाइंटों से करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर कुंडली का पंचम भाव मजबूत कर दिया जाए, यानी कि पंचम भाव यदि मजबूत हो जाएगा, तो शत्रुओं का विध्वंस होना पक्का है। क्योंकि छठे भाव का वै भाव है पंचम भाव। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, तो पंचमेश कुंडली में जो भी हो आपके, उसके मंत्रों का आप जप शुरू कर दीजिए। कितने भी शत्रु आपके क्यों ना बन रहे हो, वह धीरे धीरे उनका दमन हो जाएगा, शत्रु शांत हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपके पास कुंडली नहीं है और यह योग आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में बहुत बढ़िया उपाय है रामायण की एक चौपाई,
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यह चौपाई प्रतिदिन 51 times to 108 times आप जप करिए, निश्चित तौर पे शत्रुओं का दमन होगा। कल मिलेंगे, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।